हाईवे जो गया तेरा एक्सीडेंट तो हो गया, पता नहीं कब इसकी नाराजगी दूर होगी और कब हमारी। क्यों भाई, मेरी बहू कम थी के हैं कि उसके जैसे एक और ढूंढ के ले आया तू। जब देखो तब नाक पर गुस्सा इधर आ रहा है, पर कोई बात ना, प्यार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये देखो पीपी। ये क्या है? मेरे अर्जुन से शादी करना चाहती थी ना, उसी की सजा भुगत रही है माही। ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं उठ पाएगा, पर माही माही तो कभी भी नहीं उठ पाएगी पीपी। अरे वाह मेरी बहने वाह, क्या काम किया है। इसी टिकट का तो मुझे इंतजार था। टिकट? ये तो फोटो है ना पीपी। फोटो होगी तेरे लिए, मेरे लिए तो पॉलिटिक्स की टिकट ही है। थैंक यू बहने। क्या बोल रही हो पीपी? अरे सुनो तो। हाँ जी हाँ जी, बस बस मैं पहुंच रही हूँ 10 मिनट में। ना ना दुकान ना बंद करना तुसी, बस मैं निकल रही हूँ अभी घर से। हाँ अब इस टायर को भी पंचर होना था। अगर 10 मिनट में दुकान पे ना पहुंची तो पैसे मार लेने दुकान वाले ने, वो तो चाहते ही है। हाय नहीं रह... एक्चुअली मैंने वो स्पेयर टायर देखा था तबेले में। हाँ वो पुराने वाले मोटरसाइकिल का है। तो फिर आप लेट नहीं होंगे आज? अब आप जा सकते हो अपने पैसे लेने। जा रही है, पता नहीं कौन से पापों की सजा मिल रही है मेरे को। अरे गानी सुनती रही हो, मेरी आवाज मत सुनियो। रसोई में काम करते करते ना मेरी पीठ में दर्द हो गया, पर तू मेरी मदद करने नहीं आई। तेरी जगह मेरी माँ ही होती ना तो। की कहा? मेरी माँ ही। तेरे को ना लड़ने का बहाना चाहिए बस। क्या 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 क्या, किसकी बात कर रहे हो? अपनी? हाय रब्बा, किस्मत फूट गई मेरी। मेरी औलाद ही मेरी अपनी नहीं है, बस एक पप्पू जी हैं जो थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं मेरा। क्या? दीपक नहीं रखता आपका ख्याल? दीपक नहीं रखता आपका ख्याल है? और छड्डो, इस परिवार में जो दुख के बादल छाए हुए हैं ना, ये सब आपकी बेटी माही की करतूत है। उसकी तो अच्छी खासी एजेंसी चल रही थी राय साहब ने, वो भी कैंसिल करवा दी। माही का ना रिश्तेदार होने की सजा भुगत रहा है मेरा दीपक। और आपको पता है आपकी लाडली बेटी ने उसमें से क्या गुल खिलाए? रुको मैं दिखाती हूँ। आ देखो देखो, वो तबेले वाले के कपड़े पहन पहन के घूमे जा रही है माही। ये दिन आ गए। अरे तू क्या हुआ? तो क्या हुआ, आप ज्यादा ओपन माइंडेड ना बने। वैसे भी इस परिवार ने ना ओपन माइंडेड बन बन के बड़े दुख झेल लिए। हेलो, हाँ जी अभी आया। तो बार बार मुझे क्या समझा रही है, मेरी माही मेरी माही। उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए मैंने। अच्छा? हाँ। सारे रिश्ते तोड़ दिए मैंने। अभी यहाँ पे कौन बोल रहा था, मेरी माही होती तो ये करती, मेरी माही होती तो वो करती। हाय रब्बा, अगर ले लिया उसका नाम तो गोली मार देगी मेरे को। हमसे तो आपको यही उम्मीद है, बाकी सारा ख्याल रखो। बस बस बस, पूरे घर में अशांति फैला रखी है, जब देखो चें 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 लगाए रखते रहो। और देख ली अपनी पैदा की हुई औलाद की करतूते, हमारे ही घर में रहते और हमें ही बातें सुनाए जा रहे हैं। पता तुझे कोई थी इस घर में जो तेरी झड़कियां भी खाती थी, तेरे जूती और चप्पल भी खाती थी, तेरी कड़वी कड़वी बातें भी सुनती थी, लेकिन कभी मुड़के जवाब नहीं दिया? याद है ना कौन थी? नाम मत लो उस माही का। मैंने तो नाम लिया ही नहीं,
तूने लिया नाम। अरे हटो। यकीन है मुझे कि एक दिन फिर माही इस घर में वैसे ही चेकेगी जैसे पहले चेका करती थी। हाँ अंदर 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 खेलो ना। जो भी नहीं तो आई नहीं रही है और सारे पैसे उसको रूपा को मिल गए तो। हाँ बीजी पता नहीं ये कुड़ी भी कौन सी मिट्टी की बनी है, खेल ही नहीं रही, अब क्या करें। ओ, पर पैसे छुपाएगा अपने जीरे के डब्बे में। हाँ और कहाँ छुपाती, औरतें तो वही छुपाएंगी ना। हाँ आपको ना अभी अभी एसिडिटी होने वाली है। मैं मेरे को एसिडिटी क्यों होगी, एसिडिटी होगी रूपा को, मैं तो ठीक हूँ, टिकटी। आपको अभी अभी जीरे की जरूरत पड़ेगी। पीजी मैं क्या सीना सवेरे परांठे ना खोएने। रुको जीरा लेके आती हूँ। रुक जा मेरा सर तो बाद पूरी कैसर में चढ़ गई, सिर दुख रहा है, फटा जा रहा है, तू जा ले किया जीरा रसोई में। हाँ बीजी का बुरा हाल हो रहा है, मसाला का डब्बा आ रहा है। फिर भी ना बीजी पैसे मिल गए। सही है भाई, मेरी एसिडिटी भी ठीक होगी और पैसे भी मिल गए, जीत की छोरी। बीजी आपके पैसे। ओ ना 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 ना, ऐसे थोड़ा ना होता है, जो जीते का खजाना उसी का है, इनाम भी उसी का है, तो इनाम आपका है। वैसे लंबरदार लीजिए, अगर आपका इतना ही बड़ा दिल है जोगिया की तरह तो कोई छोटी मोटी पार्टी दे दो, हम भी माइंड नहीं करेंगे। हैं मैं तो पार्टी दे देता। बीजी आप क्या करते। अरे भाई मैं तो नए कपड़े खरीद के लाती। व्हाट एन आईडिया। और फिर लंबरदार जी आप जाओ अपने लिए नए नवेले कपड़े ले आओ बस, पर एक बात का ध्यान रखना जोगिया के साथ मैच कर लेना, वो मोहल्ले में अपनी सेटिंग है। वैसे बात तो सही कह रहे हैं दोनों, अब रूल तो रूल होते हैं, तू जीती है रख ले पैसे। और वैसे भी इस आंगन में ना मुझे सर दर्द देने के लिए एक ही सास बहुत है, एक छोटी बिश्नो नहीं चाहिए मुझे, जा नए कपड़े ले जाके। अब तो ये पैसे मेरे हैं। हाँ? मैंने जीते हैं। हाँ? मुझे नए कपड़े लाने चाहिए। हाँ? क्योंकि ये पुराने हैं। हाँ? और ये गेम नहीं प्लान था। हाँ पीजी क्या आपके पैसे, और मैं उतने का ही गिफ्ट लेती हूँ जितने का मैं दे सकूं, और ये ना मेरी पहुंच से बहुत बाहर है। अरे भाई औरत की भी कोई जबान होती है, ये पैसे मैं बिल्कुल नहीं लेने वाली। और वैसे भी गेम शुरू करने से पहले रूल तो बताई दी थे मैंने। अच्छा तो फिर आपने गेम से पहले ये क्यों नहीं बताया कि ये गेम नहीं प्लान था। बीजी गेम के कायदे तो आप पहले ही तोड़ चुकी थी, पकड़ो इसे। माही ओ, मैंने तेरे 6500 रुपए देने थे याद है। हेडलाइट के 4500, टेंट के 1000, टेंट पेंट के 1000, छेती निकाल 6500।
वही जिसमें से 2500 रुपए का दूध तूने ले लिया था। और जोगिया कभी अपना हिसाब नहीं खोलता है। तू एक काम कर, ये ले तेरा बैलेंस 4000 रुपया। फेयर प्ले, वेरी वेरी फेयर प्ले। देखिए बहन जी, आपने जो माही की पहली शादी में गहने बनवाए थे ना, जिसका पैसा राय साहब चुकाने वाले थे, राय साहब ने कहा है कि मैं गहनों का बिल मैं आपको दे दूं। पर भाई साहब, अरे भाई साहब, मैं आपको बिल दिखा देता हूँ, आप तसल्ली से चेक कर लीजिए। दस लाख का बिल? इतना? ये देखिए भाई साहब, ये देखिए बच्ची ने एक एक गहना पहना हुआ है। भाई साहब, ये गहने तो आप ही के पास होंगे ना, आप आराम से चेक कर लीजिए, मैं हफ्ते में आता हूँ। एक हफ्ते में? भाई साहब, गहने हमारे पास नहीं है, वो तो चोरी। देखिए भाई साहब, हम भी धंधे वाले लोग हैं, एक हफ्ते से ज्यादा का समय नहीं दे सकता। यदि एक हफ्ते में पैसा नहीं मिला तो मुझे रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी। बाकी तो आप समझदार हैं ही। पंकज, ओ सवेरे सवेरे फोन। अच्छा, तू ध्यान से ना मेरी गल सुन, तुझे माही की फैमिली की हेल्प करनी है और उसके लिए तुझे लोन चाहिए। मिल सकता है? हाँ मिल तो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तूने मिसेस अमृतसर डांस कॉम्पिटिशन के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, वो तो हर साल होता ना। समझ जाओ, तेरी लॉटरी की टिकट है। विनर को पूरे 5 लाख मिलने वाले हैं। 5 लाख? मैंने और पीरा ने पार्टिसिपेट किया है, पर मुझे पता है जीतेगा तो तू ही। और तुझे कैसे पता? यार भाई, तू मेरा इतना कॉन्फिडेंस है तुझ पर। यार दोस्त का यकीन तो ठीक है, पर थोड़ा मेहनत वाला काम है। नहीं पर कोई बात नहीं, 5 लाख की बात है और मेरी माही का सवाल है, वो एक बार तो ट्राई मारूंगा ही मारूंगा। वैसे पिछली बार कौन जीता था ये मिसेज अमृतसर का कॉम्पिटिशन? पता है ना मुझे, मिस्टर एंड मिसेस सहगल जीते थे। ओ पप्पू मिसेज अमृतसर बनी थी? और मुझे तो पहले ही पता था ये पप्पू पर जाइए। नहीं जो किया, मिस्टर एंड मिसेस पप्पू जीते थे कॉम्पिटिशन। अच्छा चल कोई ना, इस मिस्टर पप्पू और उसकी मिसेस पप्पी ने हम सबको बड़ा परेशान किया। अब देख तू, ये मिस्टर एंड मिसेस जोगिया की जोड़ी उसे कैसे सबक सिखाएगी। चल फिर लग जा काम पर। ओके टाटा बाय बाय मेरी जान, लव जूस। हे माता रानी, और बस जैसे तैसे ये कॉम्पिटिशन जिता दे तू, इसी बहाने मेरी लाल मिर्च भी ठंडी हो जाएगी। ओए जोगी है, वो पर इस कॉम्पिटिशन के लिए माही को तैयार कैसे करेगा तू? रब दी सौ, मुझे इसी बात का डर था कि कहीं सारे कर्जदार वापस आपके पीछे ना पड़ जाए, और वही हुआ। राय साहब के उद्धम की मुझे रह रह के याद आती जब उन्होंने कहा था कि माई की इस गलती की सजा हम सबको मिलेगी। पर आप जरा भी टेंशन ना लो मुंबी जी, पापा जी, इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पप्पू पुत्र अभी जिंदा है। अगर यमराज भी नीचे उतर के आ गए ना, तो यमराज और आपके बीच में ही पप्पू खड़ा हो जाएगा। ना मेरी मां, ना मां का हर आंसू बेटे के लिए बद्दुआ की तरह होता है। मौली जी संभालू। छुआई जी, तो पता घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी थी जो मां ही पूरी करती थी। अब तो मैं अकेला हूं। कर्जदारों को अगर 10 लाख नहीं दिया तो पता नहीं वो क्या कर देंगे। मुझे पता है पप्पू जी, मुझे पहले ही आपके 50 लाख रुपए देने हैं, पर
क्या करूं, ये 10 लाख की और जरूरत आ पड़ी। पप्पू जी मुझे नहीं पता, आपको बस पापा की हेल्प करनी पड़ेगी। मत कहो मॉडल जी, मत कहो। अगर मेरा बस चले तो मम्मी पापा की मदद के लिए मैं अपने आप को बेच दूं। ये और कुछ बेचने के लिए बचा ही नहीं है, वो मोटा पेंगुइन मेरे हर धंधे पे ताने लगवाती है। माही का जीजा होने की सजा मुझे ही भुगतनी पड़ रही है। और जी मैं तो आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए अपना घर भी गिरवी रख देता, पर क्या करूं, इस घर में आधा हिस्सा चंदा का भी है। अगर मैं अपना घर गिरवी रख दूं तो गिरवी नहीं घर बिका हुआ ही समझो। आ पप्पू कितनी कमीनी चीज है तू, चोरी के पैसे भी रख लिए, राय साहब की ज्वेलरी भी रख ली, और चोरों का घर भी बस अपना ही हुआ समझो। मेरे हंसने के दिन और औरों के रोने के। वेल, किसे कहते हैं चेक एंड मेट। मेट ये क्या जी, आप रोने लगे? मत रो, आपने अपने सारे फर्ज तो निभाए हैं। और रही बात इस कार की, तो पहले भी आप ही ने बनाया था, अब फिर से आप बना दोगे, मेरे को पूरा यकीन है। शायद इसीलिए कहते हैं कि बेटियां मां बाप की किस्मत का नहीं खाते, बल्कि मां बाप बेटियों की किस्मत का खाते हैं। माही क्या गई, इस घर की तो जैसे किस्मत ही चली गई। पप्पू जी घर गिरवी रखने के लिए जिसको पेपर दे रहे होंगे उस पर भरोसा तो कर सकते हैं ना। कैसी बातें कर रहे हो आप, पप्पू जी के किए हुए हर फैसले पे हम भरोसा कर सकते हैं, वो भी आंख बंद करके। मम्मी क्या हो रहा है ये सब? पाप किया था ना, उसी की सजा भुगत रहे हैं। पाप? तेरी बहन माही को जन्म देने का पाप। ठीक हूं, ओए साला, साला साहब, ओ साला साहब आए हमारे घर में है, ओ पहली बार हमारे घर आए हो, आओ आओ अंदर आओ, हमें भी कोई खिदमत का मौका दो, आ जाओ। आ जा
शर्माना अपना ही घर है कि कल्ले अपनी भैन से बातें करता रहेगा, मुझसे भी कुछ बातें कर ले, आजा गप्पे शप्पे मारते हैं आजा। हाँ जी अभी तो गप्पे शप्पे मार के काम चलाना पड़ेगा क्योंकि जो काम मैं करने आया था ना वो तो हो नहीं पाएगा। कौन सा काम आकाश? जोगी की टांग तोड़ने आया था, वो तो ऑलरेडी टूटी हुई है। और यार तुम्हारे चोपड़ा खानदान को बीमारी क्या है, जब देखो तोड़ फोड़ करने को तैयार रहते हो। और बल्ले तेरे हैं, बड़ा बड़ा हो गया तू, जीजे को जोगी के बुला रहा है। और रही बात टांगों की, वो तो तेरी बहन पहले उद्घाटन कर चुकी है। वो तो सही किया। अच्छा जीजू मुझे मेरी बहन से थोड़ी बात करनी थी, तो थोड़ी प्राइवेसी मिलेगी? एनी टाइम, पर उससे पहले थोड़ी चाय वाय पिएगा तू? चाय नहीं दी बाहर, पप्पू जीजू ने देख लिया तो। मैं क्या जी सुनती हो, अपने लिटिल ब्रदर को हमारे रूम में ले जाओ। बी कंफर्टेबल। पहले ही मेरी टांगें तोड़ चुकी है, मेरा नक भी तोड़ेंगी। और तूने तो बुलाया था ऊपर। हाँ तो ऊपर बुलाया था, ये सब करने के लिए नहीं कहा था? तू ना कभी नहीं सुधरेगा, एकदम बैल बुद्धि का बैल बुद्धि रहने वाला है बेवकूफ। ओ कमाल करती है यार तू, है जब देखो मुझे बुरा भला बोलती रहती है। और मुझे देखो हर वेले तेरी तारीफें करता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ कि कितनी सियाणी है माही, है छोटी है रिश्चंद्राणी है और सच्चाई की मूर्त है। और तू देख, और तेरे दिमाग में तो बस यही चलता रहता है कि मैं लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ, लिच्चड़ हूँ, और कम से कम बंदे की हालत देख लेता यार कोई। चढ़ मत, जब तू सही था ना तो तेरे साथ खड़ी थी, सबको ये कहती भट्टी थी कि तेरा दिमाग जरूर कम है लेकिन तू दिल का बड़ा साफ है, दिल का बहुत वट्टा है, लेकिन ये जो शादी का स्यापा हुआ ये तो तूने किया है ना। पहले के कर्जे छोड़ जो, लेकिन आज मेरे परिवार पे कर्जा चढ़ा हुआ 10 लाख का, वो भी एक हफ्ते में, वो तो तेरी गलती है ना। मेरा मन नहीं करता तुझको धोखेबाज बोलने का, लेकिन मेरे से शादी तो तूने धोखे से ही की है ना। मेरा भी मन करता है कि मैं तुझे सियाणा बोलूं, बोलूं कि तू समझदार है, लेकिन जो ये तेरी बेवकूफा वाली हरकतें ना नहीं बोल पाती हूँ। मन तो नहीं कर रहा तुझे बोलने का, लेकिन आज जो मेरे परिवार की हालत है ना उससे तेरी वजह से, क्योंकि तूने मुझसे धोखे से शादी की जोगी। और यही सच है। ओ बस कर यार, देख मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, माफी मांग चुका हूँ, सबको कह चुका हूँ कि गलती मेरी है। ओ सॉरी यार, तू बता किस तरीके से माफी मांगू तुझसे, तेरे परिवार से? हो गई गलती, किया धोखे से ब्याह, क्या करूं मर जाऊं? कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, और तेरे पास भी नहीं है। और तेरी फैमिली पे जो प्रॉब्लम आई है मैं उसे सॉल्व करना है, उसके बारे में सोचना है। मुझे जो करना होगा ना मैं खुद कर लूंगी, मुझे तेरी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। वाह 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 वाह, हैं? और 10 लाख का इंतजाम कहां से करेगी तू? यहाँ पे तबेला खजाना एक खोज खेल लिया है, बाहर जाके क्या सड़कों पे खजाने की खोज करेगी तू? ओए जोगिनी मेरी गल समझ, और मिसेज अंबर सर का कंपटीशन लड़ लेते हैं, तू 5 लाख जीत गई तो बाकी 5 लाख का इंतजाम भी कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे यार हम। दीदी ना इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुझे गोबर कुमार कहती हूँ, क्योंकि तेरे सारे आइडियाज ना गोबर ही होते हैं। जिस रिश्ते से सबसे मुझे लानतें मिल रही, जिस रिश्ते से सब लोग इतना दुखी, मैं उसके लिए कंपटीशन लड़ूं? तू रहने दे जोगी, तू यहाँ से जा, जो मुझे करना होगा ना मैं कर लूंगी, मुझे प्लीज थोड़ी देर सोचने दे, अकेला रहने दे। ठीक है यार, वो ऊपर तो मैं आ गया था, नीचे कैसे जाऊंगा? और चोर चूट लगी तो फिर हेल्प कर दे यार। हाँ।
जो अभी कहा तू ये खुद क्यों नहीं समझ पाता? क्या? यही कि जब किसी को हेल्प चाहिए होती है तो वो खुद मांग सकता है, बिना मांगे किसी को हेल्प नहीं करते हैं या किसी को सलाह नहीं देते हैं। बस कर जा यार, हैं? और तू कुंफू पांडा की तरह शुरू ही होगी है, बड़ी लड़ाई होगी आज के लिए, कल लड़ लेंगे हैं? मैं बड़ा थक गया हूँ। चल। हाँ। चल जोगी। ओ यार शरीर में बड़ा दर्द हो रहा है, ओ मैं ऊपर तो आ गया, नीचे आना बड़ा मुश्किल हो जाना है। अब ऊपर आ ही गया हूँ तो सोच रहा हूँ यहीं सो जाता हूँ, नहीं क्या फर्क पड़ता? ज्यादा ना होशियारी मत दिखा, अभी सिर्फ टांगे टूटी हैं, हाथ भी तोड़ सकती हूँ। चल अब। चाहती कि दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद तेरी बेबे और बीजी की नींद खराब हो और वो उठ जाए। हाय मैं मर जाऊंगी। कितनी केयर करती है ना तू सबकी, बस पता नहीं मेरे साथ ही क्या दुश्मनी है तुझे। दादा बकवास करेगा ना तो हाथ छोड़ दूंगी। धोखे देने में तो तू ऐसी माहिर है। ठीक है ना तू?